बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, हम बेसिकली सेकुलर ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ इस ट्रेंड गोज, और उसके अंदर हमने फोर मेथड्स पढ़े जिनमें से ऑलरेडी यू हैव स्टडीड थ्री मेथड्स: फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज मेथड एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है, जैसा कि अब नाम से आप वाकिफ हैं, ये लीस्ट स्क्वेयर मेथड, बिकॉज वी हैव यूज दिस मेथड इन द रिग्रेशन पोर्शन। कि लीस्ट स्क्वेयर मेथड से हमने नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो, वी कैन फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वेयर मेथड। एंड लीस्ट स्क्वेयर मेथड में क्या था, जिसमें हमने एरर सम ऑफ स्क्वेयर को मिनिमाइज किया था। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द ट्रेंड लाइन ऑफ सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास वो टाइम सीरीज डेटा जो है, हम इसको अप्लाई करेंगे इस मेथड के ऊपर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर को टाइम सीरीज डेटा के ऊपर अप्लाई करके एक ट्रेंड लाइन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो क्या वैल्यूज हमें देता है। प्लस इसका एडेड एडवांटेज ये है कि वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन फॉर कॉस्टिंग। ठीक है, कि फ्यूचर के बारे में आप वैल्यूज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में आप देखें क्या मेथड है, ये बेसिकली दैट इज द फोर्थ मेथड फॉर द सेकुलर ट्रेंड। अ ट्रेंड लाइन डिस्क्राइब्ड बाई अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अ ट्रेंड लाइन डिस्क्राइब्ड बाई अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अ पैराबोला आर एन एक्सपोनेंशियल कैन बी मेजर्ड यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पैराबोला और एक्सपोनेंशियल, ये देर अदर इस तरह की इक्वेशंस हों तो वो भी इस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से हम वी कैन सॉल्व इट, फाइंड इट बाय लेटिंग द टाइम टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल यू ऑलरेडी नो द जो ऑब्जर्व वैल्यूज हमें दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट अस सपोज दैट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपीयर्स टू बी लीनियर, देन द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वेयर लीनियर ट्रेंड वुड बी। तो अदर सपोज हमने किया है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अपीयर्स टू बी लीनियर। अब जब उसको हमने प्लॉट किया ना, बेसिकली सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम टाइम सीरीज को प्लॉट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसके ऊपर ट्रेंड लाइन फिट करनी होती है ना, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्शन और फ्यूचर फॉरकास्टिंग के बारे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपीयर्स टू बी लीनियर, अगर वो लीनियर नजर आ रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वेयर लीनियर लाइन इज वुड बी वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ये वो एस्टिमेटेड इक्वेशन है जो वहां पर हमने वाई हैट इज इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट एट्स का था। याद है आपको, वो एस्टिमेटेड इक्वेशन को हमने किससे डिनोट किया था, और यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टाइम, तो इसीलिए फॉर टाइम बजाय इसके हम एक्स वहाँ लिखा होता, यहाँ पर टी की जगह टाइम लिखा हुआ, टी इज फॉर टाइम। वेयर वाई हैट मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यूज। जब आपको मैंने कहा था कि जब आप पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर लेते हैं तो हम इसके ऊपर एक कैप डाल देते हैं। अब ये चीज़ शो कर रहा है दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको आपने एस्टिमेट किया हुआ है। राइट साइड पे मॉडल की वैल्यूज आ चुकी हैं, ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। अब आप देखें द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, द टू कॉन्स्टेंट्स आर डिटरमिन्ड बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग टू नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये वही दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो मैंने वहां पर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के जरिए फाइंड की थी। ठीक है, हमने डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू लिख दी थी, या अल्फा बीटा नॉट हैट और बीटा वन हैट उसकी वैल्यूज लिखी थी। यहाँ पर हमने इसको ए और बी के साथ डिनोट किया हुआ है,
where A is the estimator of other, suppose y is equal to alpha plus beta, its model था, तो इसका A जो था वो alpha का estimator है, estimated value है, और B जो है वो beta की estimated value है. यहाँ पर हमारे पास these are the two constants are determined by solving the following normal equations. तो ये जो normal equations बनी हुई हैं, ये basically वही method of least square से बनी है, by minimizing the error sum of square. ठीक है, उसी से हमने इनको बनाया हुआ है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन t, समेशन t y इज इक्वल टू ए प्लस t प्लस बी टी स्क्वायर. तो ये जहन में रखिएगा ये नॉर्मल इक्वेशंस. अगर आपको बनाने का तरीका नहीं भी पता तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट दीज इक्वेशन बाई, पहले आप इसको खाली जो आपके पास मॉडल गिवन है उसमें आप समेशन अप्लाई कर दें, दूसरी दफा आप उसको टी से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन अप्लाई कर दें. सपोज देखें, मैं आपके सामने लिखता हूं, ये मॉडल है y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी. तो आपने जस्ट पहली इक्वेशन बनानी है, जब तो खाली समेशन अप्लाई कर दें, इस पर समेशन अप्लाई करेंगे तो एन ए हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है, समेशन टी पे चली जाएगी. अब आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है तो पहले इसको टी के साथ मल्टीप्लाई करें. ये मैं सिर्फ आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है. तो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, अब समेशन अप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है जी, तो ये हमारे पास मॉडल था, उसमें से आप ये बना सकते हैं इक्वेशन. अंडरस्टैंड? तो दीज आर द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर. में दो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं जो हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी. नाउ द ट्रेंड वैल्यूज आर कंप्यूटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन. आपने इस वैल्यूज मालूम कर ली, ट्रेंड वैल्यूज आपने मालूम कर ली फ्रॉम दिस इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टी एंड आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ. तो ट्रेंड वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, वाई हैट टी कैसे फाइंड होगा, ये देखिए. आप यहां पर अगर आप टी की वैल्यू पुट करें तो ए और बी ऑलरेडी यू नो दैट, तो वाई हैट की वाई वन आ जाएगा, फिर वाई टू आ जाएगा. जो जो आप टी की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं तो उसके साथ एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाइज भी आ रही हैं. तो जब आपने ये एस्टिमेटेड वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, नाउ आप क्या काम करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टी एंड वी प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. तो जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज आएंगी उसको आपने प्लॉट करना है, जिसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर. ठीक है, एक ओरिजिनल डाटा होगा, एक एस्टिमेटेड वैल्यूज का डाटा होगा. अब आप देखें वहां पे क्या होता है. टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन, अब आप देखें टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन, आप देखें जो टी टाइम होता है 1918 से, जैसे लास्ट हमने एग्जाम्पल की थी उसमें 1918 से लेकर 1930 तक का डेटा था. तो ज़रा मुश्किल होता है, इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना, स्केयर लेना, फिर वाई के साथ डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, मीन निकालना. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक सेंटर जैसे ना डाटा में से एक वैल्यू माइनस करते हैं. अच्छा, जब वो पूरे डाटा में से माइनस हो रही, सब्ट्रैक्ट करेंगे सपोज, तो उसमें और जो ओरिजिनल डाटा है उसमें जब आप माइनस करने के बाद वैल्यूज का जरा मीन निकालें, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और जो ओरिजिनल डाटा है उसमें कोई फर्क इतना नहीं आता. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कोडिंग कर देते हैं. हम टी का कोई, जब हमारे पास सपोज अगर इवन ईयर्स हैं, 1920 से लेकर 1924 तक है, तो ये 5 साल बनते हैं. ठीक है, 1920 या 21 से लेकर 25 तक, ठीक है, देयर 5 ईयर्स. अब अगर तो ऑड है, अगर ऑड है तो सेंटर वाला जो ईयर होगा उसको हम एज ए मीन ले लेंगे. ठीक है, मीन, या आप ये करें 1921 प्लस 1922 प्लस 1923 1924 1925 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 1923 जो है दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा. तो इस सेंटर की जगह पर हम अगर 1923 जो 3 है इसको हम सेंटर मानकर, इसकी जगह पर हमारे पास एक नया वेरिएबल डिफाइन हो जाए जिसको हम एच का नाम दे दें, तो वो क्या वैल्यू देगा, 0.
बिकॉज, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को. सपोज ये जीयर्स है आपके पास 1921, 1922, 1923, 1924 एंड 1925. ये टी था, इसको हमने टी के साथ डिनोट किया होता, याद है. अब अगर मैं इसको ले लूं मीन, यानी कि अगर मैं इसको कह दूं ये सेंटर वैल्यू, तो हर इतने से माइनस करके नया वेरिएबल एक्स डिफाइन कर लूं, ठीक है, दैट इज टी माइनस, ये आप 1921 माइनस 1923, तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी यहां पर, क्या आएगी, जीरो, ठीक है. तो 1924 माइनस 1923, इसको आपने ओरिजिन मान लिया ना, तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी, वन, और यहां पे क्या आएगी, टू. इसी तरह यहां पे माइनस वन आ जाएगी और यहां पे माइनस टू आ जाएगी. अब आप अगर इस डेटा को देखें, अगर आप ये पास ये डेटा है, ये स्टार 1925 और 1921 के बिटवीन, उसके अगेंस्ट आपने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लिया इस टी की जगह पर एक्स, तो जब आप एक्स को डील करेंगे तो वो भी वही वैल्यू देगा जो टी ने देनी थी. तो सिंप्लीफाई करने के लिए, टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन, द टाइम इंटरवल टी इज कोडेड बाई टेकिंग द टाइम डेविएशन फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द पीरियड्स. तो इसका मिडल पॉइंट क्या बनता था, ये 5 साल थे, इसका मिडल पॉइंट क्या बन रहा है, ये बन रहा है. सपोज अगर यहां पर 1926 होता तो अब हमारे पास इवन नंबर हो जाते. अब 1926 होने के बाद 1923.5 यहां पर जो वैल्यू होती वो मिडल बनता सेंटर में. तो ये वो पॉइंट है जिसको नोट करना था हमने, कि हमने इसको आसान करने के लिए टाइम की कोडेड कर दी, कोडेड, वी कोडेड द वेरिएबल टी इज कोडेड, ठीक है. इसको कोड करने के बाद हमने एक नया वेरिएबल एक्स डिफाइन कर लिया, और एक्स, वी टेक एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द मिडल ऑफ द ईयर्स, और एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इफ द कोडेड फॉर्म ऑफ द लीनियर ट्रेंड वुड बी, एंड व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इवन, तो एक्स हम क्या लेते हैं, एक्स इज टेकन एट द मिडल ऑफ द टू मिडल ईयर्स, ठीक है. एक्स इज टेकन जीरो, ठीक है, एक्स इज टेकन एट द मिडल ऑफ द टू मिडल ईयर्स, ठीक है. तो दो जो ईयर्स है उनका सेंटर, सपोज यहां पर अगर आप देखें 19 में 26 तो भी इधर ऐड कर लूं, अब मेरे पास इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो जीरो होगा वो यहां कहीं पे लाई करेगा दोनों के सेंटर में, अंडरस्टैंड. तो इसका सेंटर क्या बनता है, 1923 और 1924 का सेंटर क्या बनता है आफ्टर सिक्स मंथ्स, यानी 1923.5. अब आप जब 0.5 करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, इसने आप सेंटर तो 1924 में से ये माइनस करेंगे तो ये 0.5 आएगा, ठीक है, और 1925 में से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 1.5. इसी तरह ये क्या आएगा, 2.5. अब इसमें आप जाएंगे तो दिस वैल्यू विल बी माइनस 0.5, यानी एक्स की बात कर रहा हूं, कोडेड ईयर, आपने इसको अगर सेंटर मान लिया 1923.5 को, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा माइनस 1.5 और दिस विल बी माइनस 2.5. तो अजीज तलबा, आपने इसमें से जो काम था वो काम की चीज आपने क्या नोट की, वो ये आपने देखा कि आपने इस मॉडल को टी की जगह पर एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने कोडिंग कर दी उसकी, ठीक है, वेयर एक्स इज फ्रॉम जीरो से लेटर या माइनस से लेटर प्लस तक साइन है, और जो एक्स की सेंटर वैल्यू है दैट इज स्टार्ट जीरो, और सेंटर कहाँ पे लेते हैं हम, जो मिडल ईयर हो उसको हमने सेंटर मानना है.
और नॉर्मल इक्वेशंस ऑलरेडी जो जहाँ पे टी था वहाँ पर एक्स बन गया। अब मैं आपको बताना जो चीज़ चाह रहा था वो ये था कि अगर इफ दे आर इवन, सपोज हमारे पास ये ईयर्स हैं 1978 से लेकर 1979, 1980, 1981 और 1982। तो अब अगर ये टाइम है, दिस इज टाइम टी था ना जिसकी बात कर रहा था मैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है कोडेड ईयर में। जिसको हमने एच के साथ डिनोट किया हुआ। अब इसका सेंटर क्या है, दिस वाज द सेंटर। तो इसके अगेंस्ट हम क्या वैल्यू लेंगे, हमने सपोज का लिया कि सेंटर 1980 को हमने जीरो मान लिया। तो क्योंकि ये इवन ऑड नंबर थे तो इसके नीचे क्या होगा, प्लस वन प्लस टू, और इस तरफ क्या होगा, माइनस वन माइनस टू। अब आप इस टी की जगह पर एच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेंटर इसको मान लिया 19, चूंकि सेंटर वाला जो ईयर था उसको हमने सेंटर माना, जीरो उसके लिए ले लिया ओरिजिन पर, और प्लस वन माइनस वन। आप अब देखिए 1980 को मैं लेता हूँ तो 1981 माइनस 1980 करें तो वन आता है, 1982 माइनस 1980 करें तो टू आता है, इसी तरह 1979 माइनस 1980 करें तो माइनस वन आएगा, इसी तरह 1978 माइनस 1980 करें तो माइनस टू आएगा। अब नाउ वी कैन यूज दिस एक्स इंस्टेड ऑफ टी, ठीक है। तो हमने उसका ओरिजिन चेंज कर दिया, ओरिजिन चेंज करने से मतलब एक वैल्यू को पूरे डाटा में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। अब इसका एडवांटेज क्या है, कि इसका एडवांटेज ये है कि सम ऑफ एक्स विल बी जीरो। आप चेक कर लें, कोई भी आप लेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स जीरो है। तो जो नॉर्मल इक्वेशंस थी वो टी वाली, टी जब एक्स किया वही नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास ये बन गई दो। यहाँ पे टी था ये वाली टी जब एक्स कर दिया, यहाँ पे टी था उसकी जब हमने एक्स कर दिया, यहाँ टी था उसकी जब एक्स कर दिया, यहाँ पे भी टी था उसकी जब एक्स हो गया। बाकी सारी नॉर्मल इक्वेशन वही है, लेकिन अब हमने टी वेरिएबल को कोड करके एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए हमने टी की जगह पे एक्स लिख दिया है। अब आप देखें जहाँ पर समेशन एक्स है वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी, इसी तरह ये चीज़ जीरो हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन, यानी वाई बार के इक्वल हो गया। और यहाँ से आप देखें तो समेशन एक्स वाई है तो इज इक्वल ए इंटू समेशन टी, समेशन एक्स क्या है जी, जीरो है, प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो हमें बी चाहिए, तो बी क्या होगा, समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो यही हम जब मॉडल फिट करते हैं तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स, जो एस्टिमेटर है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, एस्टिमेटर्स हैं, ठीक है। ये फार्मूले जो है दे आर एस्टिमेटर्स, और उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलते हैं एस्टिमेट। तो आप देखा थे जब ओरिजिन चेंज करने से 1980 लेने से हमने जीरो और प्लस माइनस वन में जब डेटा आने से क्या हुआ कि थिंग्स आर सिंप्लीफाइड। समेशन एक्स जीरो आएगा, इसी तरह अगर हम समेशन एक्स क्यूब लें तो वो भी जीरो ही वैल्यू देगा, समेशन एक्स की पावर फाइव लें तो वो भी जीरो ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन समेशन एक्स के जीरो नहीं होगा, समेशन एक्स की पावर फोर जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, मैं मजीद कुछ इसमें ऐड करता चलूं। व्हेन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ ए टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी अ कर्व, वी फिट अ पैराबोलिक कर्व ऑफ सेकंड। व्हेन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज अपीयर्स टू बी अ कर्व, जब आपके अंदर वो टाइम सीरीज जब आप प्लॉट करते हो ओरिजिनल डाटा, अगर वो कर्व की फॉर्म बन रही हो तो फिर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं फिट करते, वी ट्राई सम अदर इक्वेशंस, ठीक है। वी ट्राई सम अदर इक्वेशंस, मे बी वी कैन यूज दिस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री पैराबोला, दिस इज कॉल्ड
सेकेंड डिग्री ठीक है, जब हमारी वो जो ओरिजिनल डेटा है अगर वो लीनियर ना बन रहा हो, उसमें कुछ कर्व बन रही हो, जैसे कर्व से मुराद जब मैं बात करता हूँ इससे मुराद यह है कि यूं इस तरह का बन रहा हो, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कर्व इस तरह की बन रही हो। अब दिस इज नॉट लीनियर, या कर्व यूं बन रही हो, दिस इज नॉट लीनियर, लेकिन जब लीनियर कर्व बन रही हो ऑलमोस्ट इस तरह की तरह बन रही हो, ठीक है, दिस इज लीनियर, तो फिर हम स्ट्रेट लाइन में लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्शन या ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज़ और भी देखते चले, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द ट्रेंड विच हैज स्मॉलर दिस वैल्यू y माइनस वाई हैट टी स्क्वायर इज द बेटर फिट। अगर आपने दो मॉडल स्ट्रेट लाइन भी फिट कर दी, आपने पैराबोला भी फिट कर दी, ठीक है, आपने यानी स्ट्रेट लाइन से मुराद है कि आपने y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये फिट कर दी, ठीक है, इसमें भी आप y माइनस वाई हैट टी, यहाँ पे वाई टी है, ये अंडरस्टूड है, और ये कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं, तो y माइनस वाई टी इसमें भी फाइंड करें, इसमें भी फाइंड करें, तो जिसका y माइनस वाई टी स्क्वायर सम जो है वो कम होगा दैट विल बी द बेस्ट फिट, उनको डाटा तो बेस्ट फिट हो रही है इक्वेशन, ठीक है। तो मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिडिक्शन पर्पस। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजीद आपकी ये सारी कन्फ्यूजन जो मे भी पैदा हो रही हो लास्ट लेक्चर में अभी जब हमने पढ़ा, तो उस तो मजीद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो ये क्वेश्चन है, ए प्रॉब्लम यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर मैथड इन द टाइम सीरीज, ए प्रॉब्लम यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर मैथड इन अ टाइम सीरीज, ये वो प्रॉब्लम है जिसमें हम लीस्ट स्क्वायर मैथड को यूज कर रहे हैं। Now, the question is, consider the following data illustrating the number of ships loaded at Karachi port between 88 to 95. हमारे पास ये time series data था. In this problem, we will find the linear equation that will describe the secular trend of loading. ठीक है, हम linear equation find करेंगे that will describe the secular trend of loading. तो data को आप देखिए, 1988 से लेकर 1995 तक है, और प्लस उसकी वैल्यूज दी हुई हैं भाई, हाउ मैनी नंबर ऑफ शिप्स लोडेड एट कराची पोर्ट फ्रॉम 1988 टू 1995, तो दे आर बेसिकली 8 years, तो जब 8 years हैं तो इससे मुराद ये है कि सेंटर में जो दो वैल्यूज हैं That is 91 and 92. This is इनके जो मिडल में वो हमारा क्या बनेगा, Yes, we will code x and the midpoint will be center 91.5 इनके सेंटर जो है। तो जी तलबा मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ आपके सामने, आप देखिए इसको, तो इसको मैं जो टाइम है इसको अगर हम x कहें, years जो हैं तो 1988, 1989, 1990, 1991, 92, 1993, 1994 एंड 1995, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हमारे पास y वैल्यूज क्या हैं गिवन जो है 98, 105, 116, 119
135 our next value have 156 and the next one is 177 and the 208. तो ये आपके पास गिवन डाटा था, ईयर्स थे और उसके साथ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। अब आप देखें कि बिकॉज देयर इवन नंबर तो इसका जो सेंटर बनता है वो ये बनता है। अगर ऑड होता तो 19, सपोज 95 को अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर बनते हैं, तो 1991 को हम एक्स इज इक्वल टू जीरो ले सकते थे, स्मॉल एक्स, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला आप प्लस 1, 2 और 3 ले लेते, ऊपर वाला -1, -2 और -3 ले लेते। अब चूंकि ये इवन नंबर है हम इसमें यूँ नहीं कर सकते, तो इसका जो सेंटर है वो हम लेंगे। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि कैसे सेंटर लेंगे। सपोज जब इसका सम लेंगे आप, सम ऑफ एक्स, कैसे सेंटर लेते हैं ये भी बता दूँ, तो दैट इज़ बेसिकली 15,932। अब आप एक्स पार लें तो ये आ जाएगा 15,932 डिवाइडेड बाय एन, तो एन की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 यानी 8, तो दैट विल बी 1991.5। ये इसका मीन आपके सामने आ रहा है। अब आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करें, एक्स, स्मॉल एक्स, ठीक है, तो या एक्स माइनस एक्स बार करें पहले, एक्स माइनस एक्स बार, ये सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ उसी चीज़ को, बाद में हम एक्स डिफाइन करें हमारा एक्स क्या जो इक्वेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि हर एक वैल्यू में से 1991.5 को माइनस कर दिया, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी -0.5। करके देखें 1991 - 1991.5, तो ये वैल्यू आती है और दिस वैल्यू विल बी तो -1.5, -2.5 and -3.5। इसी तरह आप इसको देखेंगे तो ये +0.5 आएगी, ये +1.5, फिर प्लस के साथ 2.5 और प्लस के साथ 3.5। अब आप क्या करें, जस्ट चूंकि ये चीज़ें डिफ़िकल्टी पॉइंट्स में कर रही हैं, ऐड हमें सब्ट्रैक्ट और कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी कर रही हैं, तो हम तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी 2 मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस एक्स बार, तो इसको हमने ले लिया, ये हमारा कोडेड ईयर्स, दिस इज कॉल्ड कोडेड ईयर्स एक्स। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी -7, -5, -3, -1, ठीक है, 0.5 है ना, तो 1/2 उधर 2 से कैंसिल, तो 1, इसी तरह +1, +3, +5 and +7। तो अजीज़ तलबा अब आपने लर्न क्या किया कि अगर आप इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इफ़ द इवन नंबर्स तो फिर आप -1 और +1 के साथ ऊपर नीचे ले जाएं सेंटर से, इफ़ दे आर ऑड देन यू कैन टेक एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द सेंटर वैल्यू एंड -1, -2 ऊपर और +1, +2, +3 नीचे। लेकिन जब इवन नंबर हो तो आप देखें इनमें 2 का गैप आ रहा है बीच में, ठीक है, 3 और 5 के दरमियान, 5 और 7 के दरमियान, इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है जी। तो ये आप इसको रिटेन कर लीजिए कि इवन नंबर के लिए तो आसान है, 0, 1, 2, 3 और प्लस -1, -2, -3। लेकिन जब ऑड नंबर हो, सॉरी जब ऑड नंबर हो तो फिर तो आसान है, 0, +1, +2, +3, ठीक है। जब इवन नंबर हो तो उसके लिए आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हैं ऐसे,
जो हमने फाइंड किए हैं यहाँ पर, आपको तरीका बताया है हाउ वी फाइंड दीज वैल्यूज। अब आप चाहें तो डायरेक्टली आप स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ये लिख कर, जब आपको पता है कि ये इवन है तो यू कैन राइट लाइक दैट, तो इस पर कोई इतराज नहीं होगा। नो यू कैन, दिस एक्स इज इन प्लेस ऑफ टी, दिस स्मॉल एक्स इज इन प्लेस ऑफ टी। अब हमारा जो टाइम का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो हम एक्स एक्सिस पे लेते थे, अब वो कन्वर्ट होकर इस एक्स में जा चुका है, स्मॉल एक्स में, वेयर स्मॉल एक्स में ये टू जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मजीद पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए, और कोई मकसद नहीं है इसको हल करने का, ठीक है। अगर आप चाहें तो जी मैं तो वही लेना चाहता हूँ, तो आप वो भी रख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए टू से मल्टीप्लाई किया गया और डेविएट टू किया गया इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, इतनी बड़ी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए डेविएट किया गया 1991.5 से, डेविएट समझते हैं माइनस किया गया। अब हमारे पास जो डाटा है वो ये बेसिकली दो वैल्यूज का डाटा रह गया जो मैंने सर्कल कर दिए, ये कॉलम्स। अब हमने इन दो कॉलम्स को फर्दर हैंडल करना है, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस मौजूद हैं, नो सपोज हमारे पास अब मॉडल क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब हमने वाई हैट अगर फाइंड करना है तो क्वेश्चन इज फाइंड द वाई हैट। जब मैं कहता हूँ वाई हैट फाइंड करें, इसका मतलब यह है कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनती थी, पहली बात लिखें समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। व्हाट इज समेशन एक्स, अब करके देखें जरा समेशन एक्स यहाँ पर क्या आता है, समेशन एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो, बेशक करके देखें आप। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन बनती थी एक्स वाई दिस इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। यू नो दैट कि बिकॉज समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसको यहाँ पुट करें तो अब हमारी इक्वेशंस रिड्यूस होकर ये बन जाएंगी, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए एंड समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एच स्केयर। अब दीज आर अवर टू नॉर्मल इक्वेशन, दे आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। अंडरस्टैंड, दे आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस एंड दे आर रिड्यूस टू दिस दीज इक्वेशंस। अब नाउ वी कैन यूज दिस फॉर सॉल्विंग द सेकुलर ट्रेंड का लाइन फिट करने के लिए वी यूज़ द लीस्ट स्क्वेयर मेथड। उसका तरीका क्या है, पहले आपने ईयर्स को डिफाइन कर दिया, वाई रख दिया, उसके बाद आपने डेविएट कर दिया मीन से एक्स से, एक्स बार से, उसके बाद एक कोडेड ईयर आपने स्मॉल एक्स के नाम से फाइंड कर लिया, उस स्मॉल एक्स को हमने यूज़ किया नेट्स कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अब आप मॉडल को फिट करना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स वी वांट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो कैसे आएंगी। अब देखिए हमें किस कॉलम की जरूरत पड़ेगी, इन इक्वेशंस को देखें, हमें एक एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी और एक एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर एक कॉलम बना लें एक्स स्क्वायर का और एक कॉलम बना लें एक्स वाई का, तो दीज आर द टू एक्स्ट्रा कॉलम्स। तो एक्स स्क्वायर से मुराद है 79, ठीक है, 25, 9, 1, 1, 9, 25 and 49। अब इनको ऐड करें, 40 ये हो जाएगा 50, 75 plus 10, 84, तो 84 into 2, 8 and 116, तो ये 116 point something आता है, ये basically 168 आ जाएगा, यानी summation x square दिस इज इक्वल टू 168। इसी तरह आपने समेशन एक्स वाई लेना है, इट मीन्स हर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, तो 98 मल्टीप्लाई विथ 7, तो देखिए तो क्या वैल्यू आती है, -686। इसी तरह आप तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और जो सम आएगा समेशन एक्स वाई दैट विल बी 1266। लो जी, अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमें समेशन वाई भी पता है, वी नो दिस वैल्यू, अब इसको ऐड करें समेशन वाई, तो समेशन वाई इज इक्वल टू 1114, तो इसको यहाँ पुट कर दें, तो ए की वैल्यू क्या है, समेशन वाई ओवर एन, तो 1114 डिवाइडेड बाई 8,
So that particular value is equal to 139.25. इसी तरह b की वैल्यू क्या है जी? तो b हमने यहां से देखा, दैट इज समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो इसको देखें जी क्या आता है ये। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आप इसमें पुट करें वैल्यूज 1266 डिवाइडेड बाय 168, तो दिस वैल्यू विल बी आई थिंक 7.536। तो आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ रही। अब आप मॉडल में फिट कर दें। नाउ द फिटेड मॉडल इज लाइक दिस। ये मॉडल था वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई हैट की वैल्यू आपने ए की वैल्यू पुट कर दें 139.525 प्लस 7.536 और साथ एक्स आ गया। नाउ दिस वाज द केस। ये आपके पास वो ट्रेंड लाइन आ गई जो लीस्ट स्क्वेयर मेथड से आपने फाइंड की। ठीक है, इससे पहले आपने मूविंग एवरेज से फाइंड करते थे लेकिन उसमें आपके पास लाइन नहीं आती थी, जस्ट यू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ और उसके बाद उस प्लॉट से आप उसको उस लाइन को एक्सटेंड करके उसको अमूद गिराएं या परपेंडिकुलर गिराने के बाद यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन की वैल्यू भी जो फिटेड इक्वेशन है एस्टिमेटेड इक्वेशन आ चुकी है। नाउ वी कैन प्रिडिक्ट एनी वैल्यू अबाउट द फ्यूचर। एक्स की कोई वैल्यू आप पुट करें तो यू कैन गिव द वैल्यू ऑफ व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, यू कैन ईजीली प्रिडिक्ट दिस वैल्यू। अगर आप देखना चाहते हैं सपोज नाउ इफ यू वांट टू सी कि 1996 में कितने शिप्स जो हैं जाएंगे, हाउ मैनी शिप्स विल गो। सपोज वी वांट टू एस्टिमेट, आप देखें ना, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट शिप लोडिंग फॉर 1996। तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 1996 को। तो आप देखिए 1996 में क्या होना चाहिए, यहां पर ये देखिए 95 है तो दो दो का गैप आ रहा है ना, तो 1996 पर क्या वैल्यू होनी चाहिए? यस 9। तो अब आप पुट कर दें, पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 9 फॉर प्रिडिक्शन फॉर ठीक है। तो आपने पुट किया वाई हैट इज इक्वल टू 139.25 प्लस 7.536 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो ये वैल्यू क्या आती है 67 point something है। तो इसको आप देखें तो 207। इसको ऐड करें, पॉइंट्स को ख़त्म कर दें, उसके बाद शिप्स टू पॉइंट्स, वन शिप तो नहीं ना हो सकता, राउंड तार के हमने लिख दिया शिप्स लोडेड। तो दैट इज अवर फ्यूचर प्रिडिक्शन कि हमने अगर 19 में भी हम इस वक्त ये जो ईयर चल रहा होगा 95 का चल रहा होगा तो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे होंगे 96 में कितने शिप्स यहाँ से लोडेड किए जाएंगे। तो दे आर 207। ठीक है, अगर आप डेटा देखें तो 208.95 में थे जबकि हमने लेकिन जो फ्यूचर में प्रेडिक्शन की है वो 207 की है। इसी तरह आप फ्यूचर में कोई और ये लेना चाहें तो यू कैन प्रिडिक्ट दिस वैल्यू आल्सो। अजीज तलबा,
अब आपने देखा कि हमने तो ये हमने मॉडल फिट किया और आपको साथ बताया कि इसका पर्पस क्या है. नो इफ यू वांट टू प्लॉट दिस ग्राफ यू कैन डू इट लाइक कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो एस्टिमेटेड पॉइंट्स हैं इनमें एक्स की वैल्यूज को जो है वो पुट करते जाएं, ठीक है, और वाई हैट की वैल्यूज को फाइंड करें. सपोज एस्टिमेटेड वैल्यूज है ना, ये आपके पास y एस्टिमेटेड है. यहाँ पर आप मैं लिखना चाहूँ एक्स्ट्रा कॉलम बना लूँ तो दैट विल बी टॉर्ड y हैट. तो अब हमने करना क्या है कि 136.29 और प्लस 7.536 इंटू मल्टीप्लाई विद x. तो x की वैल्यू -7 और साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास एक y हैट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. इसी तरह वहाँ पर मल्टीप्लाई इधर हम 5 के साथ कर दें तो हमारे पास 8. तो ये वैल्यूज मैं फाइंड करता हूँ आपके सामने. तो पहली वैल्यू क्या आएगी जी, इसको करके देखते हैं हम. यानी 7.536 मल्टीप्लाई विद -7. तो देखें क्या वैल्यू आती है, 139.25 माइनस जी ये वैल्यू आ रही है जी 86.49 यानी 5 डालने चले वन डिजिट तक एस्टिमेटेड वैल्यूज. अब आपने नेक्स्ट क्या किया, हमने उसी इक्वेशन में जो हमारे पास फिटेड इक्वेशन थी दैट वाज y hat is equal to 139.25 plus 7.536 x. अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू जो है नेट माइनस 5 रखे तो क्या होता है, तो 139.25 माइनस व्हाट इज x 5 इनटू 7.536. तो दैट वैल्यूज इज बेसिकली 101.57. तो 57 को हमने सेट कर दिया, ठीक है जी. अब नेक्स्ट वैल्यू देखें क्या आती है. अब हमने एस की जगह पर -3 रखने हैं मल्टीप्लाई विद जी नेक्स्ट वैल्यूज 116. दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज, ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज यही हम एस्टिमेट कर रहे हैं जो. अच्छा उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हमने आप क्या पुट करना है -1. तो 139.25 -7.536 तो दैट वैल्यू इज 131.7. इसी तरह आप इसमें ऐड करेंगे जब 1 के साथ प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा दैट इज 139.25 प्लस 7.536 दिस इज 146.78 है तो 8 कर दें जी. उसके बाद आप देखें नेट सब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ रही जी 161.89 कर देते हैं इसको जी. उसके बाद आप देखें अब 5 पुट करें तो 176.9 और 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम तो दैट इज 192.00, ठीक है जी. अब इनका जो सम है दैट शुड आल्सो इक्वल टू 114.114 ये जो एस्टिमेटेड वैल्यूज है इनका सम भी वो होना चाहिए, इसको भी देख लीजिएगा. नाउ इफ यू प्लॉट दीज टू वैल्यूज एस्टिमेटेड वैल्यूज एंड द दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज एंड दिस इज द प्लॉट ओरिजिनल वैल्यूज तो यू कैन आल्सो प्रोजेक्ट दिस पॉइंट.
ठीक है। तो अब आप इसमें प्लॉट भी कर सकते हैं। सपोज आपने सबसे पहले जो ईयर्स हैं, आपने पता है आपने क्या कोडिंग की हुई है, 1988 से लेकर, जी तो 1988 से लेकर 1989, 1990, 1991 एंड 1995। अब आप इसमें ले लें 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180। दिस इज 200 एंड द नेक्स्ट विल बी 220। ठीक है, तो 220 तक आप पॉइंट ड्रा करते जाए, 98 के ऊपर एक पॉइंट लगा दे तो 98, जी उसके बाद 1989 के ऊपर क्या पॉइंट है, 105, तो 105, 110, 105। उसके बाद 1990, उसमें 116, 116, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जा रहा है, और इनको साथ साथ मिलाते जाए, जी 1991 पे क्या वैल्यू है, जी 119। और 1992 पे 135, 135 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लगती है, जी उसके बाद 1993 156, तो 156 यहाँ पे कहीं लाइट करता है, उसके बाद 1994 177, 1994 177 यहाँ पे कहीं बनता है ये। ठीक है, द लास्ट वैल्यू इज 208, तो 208 राउंड अबाउट यहाँ पे थे, तो इसको भी साथ मिला दे, तो ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा आ गया। अब हम प्लॉटेड वैल्यूज जो है, एस्टिमेटेड वैल्यूज जो है, उसको प्लॉट कर दें। तो एस्टिमेटेड वैल्यूज कौन सी है हमारे पास, तो जो एस्टिमेटेड वैल्यूज है उसको, सपोज हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी, 86 पॉइंट समथिंग थी, तो 86 वाले को इस तरह आप प्लॉट करके और ओरिजिनल ट्रेंड वैल्यूज जो है उसको शोट करवा सकते हैं। तो जिस तलबा आपने देखा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के अंदर हमने फ्यूचर की प्रिडिक्शन में जो मॉडल यूज किया, दैट वाज द लीस्ट स्क्वेयर मॉडल, इसी तरह क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोला। तो अगर आपके पास सेकेंड डिग्री पैराबोला की बात करें, तो फिर आप इक्वेशन क्या लेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एच प्लस सी एच स्क्वेयर। अब इसी तरह समेशन अप्लाई कर देंगे तो पहली नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, फिर एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर समेशन लेंगे तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह एच स्क्वेयर के साथ वाई को मल्टीप्लाई करें और साथ पूरी लाइन को और सम ले लें तो तीसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस तरह आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं और तीन इक्वेशंस बनेंगी, ए बी सी। जाहिर बात है यहाँ पे भी समेशन एच जीरो होगा, समेशन एच क्यूब भी जीरो होगा, उनकी जरूरत पड़ती है वहां पर। तो इसके अलावा आपने देखा कि ट्रेंड लाइन हम कैसे फिट करते हैं, हाउ वी एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ वाई वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आप एच की वैल्यूज को पुट करते जाए, यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज। ठीक है,
तो आपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर भी पढ़ा और दिस इज़ द बेस्ट मेथड। और अगर आप इसमें वाई माइनस वाई हैट करें, समेशन स्क्वेयर करें, वाई माइनस वाई हैट टी होल स्क्वेयर समेशन लें, तो ये मेथड हमें कम से कम वैल्यू देगा। आप देखिएगा इसको। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है कि अगर आप देखना चाहें कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट फिटेड है, तो आप क्या करते हैं, समेशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वेयर करते हैं, जिसकी वैल्यू कम होगी इसको सम करने के बाद। ठीक है, जैसे कि हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाली, इसके बाद हमने हमारे पास वाई गिवन था तो वाई हैट हमने निकाला। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें, स्क्वेयर लें और सम करें, तो जितना वो कम से कम होगा दैट मॉडल विल बी द बेस्ट फिटेड मॉडल। अगर आप पैराबोला भी ले लें ना सपोज, तो वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, उसको फिट करके देखें। ठीक है, दैट इज बेसिकली अ नॉन लीनियर मॉडल। यू कैन से कि पैराबोला में इट इज़ अ कर्वी नॉन लीनियर। ये लिनियरिटी जब ना हो, जब आपकी जो टाइम सीरीज है वो लीनियर ना बन रही हो। अब आप देखें इसमें ऑलमोस्ट लीनियरिटी बन रही है, बट एक माइनर सी कर्व है इसके अंदर डाटा में, इसीलिए हमने इसको लीस्ट स्क्वेयर मेथड लगाया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाई। ठीक है, अदर सपोज ये कर्व बन रही होती या जे शेप, जैसे जे को डाला जाए, तो फिर वी कैन यूज द पैराबोला इक्वेशन, दैट वाज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब। ठीक है, तो उसमें आप वो नॉर्मल इक्वेशन तीन बनाएंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ए फाइंड होने के बाद आप एक्स की जगह 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 पुट करके वाई हैट की एस्टिमेटेड वैल्यूज को निकालेंगे। अंडरस्टैंड, वो वाई हैट और ओरिजिनल वाई हैट का डिफरेंस लेकर स्क्वेयर लें और सम करें। अगर वो वैल्यू कम आती है तो हम कहेंगे कि ये मॉडल जो है सेकेंड डिग्री पैराबोला इज़ द बेस्ट फिट। ठीक है अजीज़ तलबा, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैंने काफ़ी चीज़ें जितनी इस कोर्स के अंदर रिलेटेड थी, जितने टॉपिक आपको ज़रूरत पड़ सकती थी रिलेटिंग टू स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस, उनको हमने डिस्कस किया। हमने क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव शुरू में सारा कोर्स आउटलाइन जो बनाई थी उसके मुताबिक हमने कम्प्लीट किया। तो उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और करेंगे इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।